नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त और होस्ट मिस्टर गोविंद। इस वीडियो में हम जुकी कंपनी की सिलाई मशीन मॉडल नंबर DDL 81007, ये देखिए ध्यान से, मॉडल नंबर DDL 81007, इस सिलाई मशीन में धागा कैसे डालते हैं, ये सारा कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर दो धागे की रील लगाने का ऑप्शन होता है। ये वाली रील हम नीडल में, यानी देखिए सिलाई मशीन की सुई में लगाते हैं, और जो दूसरी वाली रील है, ये रील हम यहाँ से ऐसे करके, ये देखिए यहाँ पे बोबिन भरने के लिए लगाते हैं। मैं आपको बोबिन भर के भी दिखाऊंगा। सबसे पहले हम नीडल में धागा डालने के लिए यहाँ से धागा लेंगे, ये वाली रील से धागा निकालेंगे। देखिए ऐसे यहाँ से धागा निकाल के, यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए यहाँ पे सुराग है, इसके बैक साइड से, पीछे साइड से धागा निकालेंगे, बैक साइड से धागा डालेंगे अंदर, और देखिए ऐसे धागा निकाल लेंगे, और यहाँ से हम यहाँ पे लेके आएंगे। देखिए यहाँ पे लेके आएंगे दोस्तों। जुकी कंपनी की जितनी भी सिलाई मशीनें होती हैं, सारी मशीनों में यहाँ पे एक लंबा सा रोड होता है, और इस रोड में देखिए यहाँ पे दो सुराग होते हैं, एक दो। आप चाहो तो सिंगल सुराग में भी धागा लगा सकते हो, या फिर डबल लगा सकते हो। ये देखो मैं पहले डबल लगा के दिखा रहा हूँ, ऐसे करके फिर ऐसे घुमा के ऐसे लगाते हैं। देखिए ये देखिए डबल धागा लग गया। आप चाहो तो डबल भी लगा सकते हो, और चाहो तो सिंगल भी लगा सकते हो। सिंगल लगाने के लिए आप किसी भी सुराग में, किसी भी एक सुराग में धागा डालना है आपको। ये देखिए दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखिए किसी भी एक सुराग में धागा ऐसे डाल लेंगे, और यहाँ से ऐसे निकाल लेंगे। यहाँ धागा डालने के बाद फिर आपको यहाँ देखिए टेंशन होता है, छोटा सा टेंशन होता है यहाँ पर। इस टेंशन में देखिए यहाँ पर एक ये सुराग है, और एक यहाँ पर सुराग है, दो हेड हैं, दो हुक होते हैं। सबसे पहले हम ऊपर में से धागा डालेंगे बैक साइड से, ये देखिए ऐसे, और यहाँ से ऐसे निकाल लेंगे। अब आप देख रहे हो दोस्तों, यहाँ ध्यान से, इस टेंशन में यहाँ पर दो प्लेट होती है, देखिए दो प्लेट लगी हुई है, ये दोनों प्लेट के बीच से ऐसे करके, ये देखिए ऐसे करके धागा डालेंगे, और फिर यहाँ ऊपर से डाल के नीचे धागा निकालेंगे। इस सुराग में देखिए यहाँ पर ऐसे डाल के धागा ऐसे निकालेंगे, देखिए ऊपर से नीचे की तरफ निकालेंगे, ठीक है। और यहाँ से आ गया हमारा मेन टेंशन, ये देखिए मेन टेंशन आ गया। इस टेंशन में देखिए दो प्लेट दिखाई दे रही है आपको, इस दोनों प्लेट के बीच से धागा हम डालेंगे ऐसे, देखिए ऐसे, और ये देखिए यहाँ पे आपको ये स्प्रिंग दिखाई दे रहा है, ये ऐसे करके देखिए प्लेटों के बीच में ऐसे करके, और ये स्प्रिंग के देखिए ऐसे बीच से स्प्रिंग के ऐसे धागा निकाल लेना है, और फिर आपको ये वाले हुक में ऐसे लगाना है, और फिर यहाँ से आपको यहाँ पे लगाना है, ये देखिए ऐसे। यहाँ धागा लगाने के बाद अब आपको यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर इसमें आपको धागा लगाना है, यहाँ अंदर से बाहर की तरफ लगाएंगे, देखिए ऐसे करके। अब यहाँ देखिए बाहर साइड से हम धागे को निकाल लेंगे, ये देखिए ऐसे। अब फिर यहाँ से हमको इस हुक में लगाना है धागा, देखिए ऐसे करके ऐसे लगा देंगे। अब यहाँ से फिर नीचे लेके आएंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पे एक हुक होता है, इस हुक में आपको ऐसे करके धागा डालना है, ऐसे करके करना है, और ऐसे दो बार घुमा देना है, इसके अंदर चला जाएगा। फिर यहाँ से आप चाहो, देखिए नीडल में भी यहाँ पर एक हुक होता है जहाँ हम धागा लगा सकते हैं, देखिए ऐसे, आपकी मर्जी, चाहे लगाओ या ना लगाओ, देखिए ऐसे लगाते हैं। और यहाँ से आपको इस नीडल के होल में डालना है, ये देखिए, और फिर यहाँ से इसको ऐसे निकाल लेना है, और निकालने के बाद आपको इस पैर को ऊपर उठाना है, और देखिए पैर के दोनों बीच में ऐसे धागे को करके धागे को पीछे की तरफ कर देना है, फिर पैर को नीचे कर देना है। ये हमारे नीडल का धागा लग गया है। अब हम बोबिन भरने वाला धागा लगाएंगे। इसके लिए देखिए यहाँ पर हम रील को ऐसे निकालेंगे, धागे रील से धागे निकाल के, और यहाँ पर इसके सुराग के बैक साइड से धागा डालेंगे। ये देखिए यहाँ से इस धागे को पकड़ के ऐसे निकाल के लेके आएंगे, और नीचे लेके आएंगे आप, देखिए हाँ मशीन पे टेंशन होता है। इस टेंशन में देखिए यहाँ पे एक हुक है, इस हुक के नीचे से धागा डाल के ऊपर लेके आएंगे। देखिए ऐसे सुराग, देखिए यहाँ सुराग दिखाई जा रहे हैं, सुराग के अंदर से, यानी होल के अंदर से ऐसे धागा डालेंगे, और फिर इसको ऐसे उठाएँगे, और उसके बाद इस टेंशन के दोनों प्लेट के बीच में ऐसे धागा डालेंगे, और यहाँ लेके आएंगे। देखिए यहाँ पर लेके आएंगे, यहाँ पर हम इसमें हम बोबिन लगा देंगे, और बोबिन लगाने के बाद इस धागे को ऐसे बोबिन में, ये देखिए ऐसे लपेट देंगे, तीन चार बार करके घुमा के लपेट देना है। और लपेटने के बाद आपको इस वाले कुंडे को ऐसे प्रेस कर देना है। अब प्रेस करने के बाद दोस्तों, आप जब भी सिलाई करोगे, देखिए अगर हम सिलाई कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए अगर हम सिलाई कर रहे हैं, देखिए सिलाई कर रहे हैं, यहाँ पर घूम रहा है बोबिन, भर रहा है ऑटोमेटिक ना, ऑटोमेटिक चल रहा है ना, भर रहा है ना। अगर दोस्तों अगर आपको सिर्फ बोबिन ही भरना है, सिलाई नहीं करना है, सिर्फ बोबिन भरना है, तो आप कभी भी ध्यान रखना, जब बोबिन भरना है तो यहाँ से आप धागे को, सुई के नीडल से धागे को निकाल लेना है, और निकालने के बाद फिर इस पैर को ऐसे, यहाँ देखिए यहाँ से ऐसे उठा लेना है,
पैर को ऊपर उठाने के बाद फिर धागे को ऐसा पकड़ लेना है और फिर चलाओगे तो आपका बॉबिन भरता रहेगा। ऐसा इसलिए करते हैं, अगर इसमें धागा लगाएगा बॉबिन भरोगे तो आपका शटल में धागा फंस जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। स्टिचिंग, कटिंग, रिपेयरिंग, लर्न ऑल स्किल्स ओनली ऑन तांडव इंडस्ट्रीज। सब्सक्राइब नाउ।